गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हमारा लास्ट दिन, आज चेकआउट कर देंगे। रात को हमारी ट्रेन है 8 बजे की, तो आज देखता आज जाता है कि थोड़ी बहुत शॉपिंग। कल भी गए थे हम शॉपिंग करने के लिए, आज मतलब कल गर्ल्स नहीं गई थी ज़्यादातर, तो आज दोनों देंगे शॉपिंग करने के लिए, आपको दिखाएंगे। और फिलहाल तो अभी लड़कियाँ नाश्ता बना रही है, चाय बना रही है, हम भी थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। हमारा भाई अच्छे से काटा, अच्छे से। किसी को अगर जरूरत हो तो कॉन्टेक्ट करे। नहीं नहीं, बावर्ची ने अच्छे हस्बैंड की, ये तो थोड़ी है। ये बात है ना भाई, हर हस्बैंड थोड़ी करती है ना यानी। ऐसा लड़का चाहिए ना, बिल्कुल है ना, हर लड़की को चाहिए ऐसा लड़का। नहीं वो काटने संस्कारी, इधर देखो देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नियत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और भाभी हमारे चाय बनाते हुए माझी बाई को, माझी बाई को सांगे लगी तू कर शिरकाई, माझी बाई को, माझी बाई को। वो भी सीन ऐसा है कि नाश्ता हो गया, पुआ बना था भाई ने, बहुत अच्छा बना था। उसके बाद अभी हम सिर्फ 4 लोग हैं जो जा रहे हैं वहाँ शॉपिंग के लिए। बाकी सब की मतलब तबीयत ऑलमोस्ट सबकी ख़राब हुई है, खांसी है, सर्दी है, गला बैठा है और सर दुख रहा है, तो सबको ही दिक्कत हो रही है। बट आज अभी हम निकल रहे शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। बाकी नहीं आ रहे क्योंकि उनकी तबीयत और ख़राब ही है, तो अभी रेस्ट करेंगे क्योंकि आज इवनिंग की हमारी ट्रेन है। इवनिंग मतलब रात के 8 बजे की ट्रेन है हमारी, तो अभी यहाँ सब निकल। तो अभी हम आ गए पणजी में, और पणजी का जो फेमस चर्च है वो हम अभी आए लास्ट दिन, और यहाँ हम पणजी में आ गए, ठीक है। ट्रेन है हमारी, बस दिन में आ गए, आपको दिखाते हैं। तो वो चर्च है, देख सकते हो, जो ऑलमोस्ट हर पिक्चर में दिखता है, हर पिक्चर में। आप सिंगम देख लो या जितनी भी गोवा में शूटिंग में पिक्चर की, उसमें सॉन्ग्स देख लो, आपको चर्च दिखेगा ही दिखेगा ऑलमोस्ट। तो चलो आज देखते हैं हम भी। तो हम चलते हुए ऊपर, और हमने भी फोटोज खुद किए। बस चर्च तो भी ऑलमोस्ट बंद रहता है, 9:30 से 12:30 का टाइम रहता है मॉर्निंग का, बट अभी अच्छा लग रहा है देखते हुए। और ऊपर जाएंगे एक फ़ोटो, यहाँ से थोड़ी बहुत फ़ोटो लेंगे बस, क्योंकि वहाँ अभी नो एंट्री है, आप देख सकते हो या एंट्री नहीं, बंद हो गया चर्च, बस अलाउ करते नहीं है सबको बस। और पणजी में लिटरली आके अच्छा लग रहा है अभी तो, लास्ट दिन हम पणजी घूम रहे हैं, वेरी गुड। हमने फोटोशूट कर लिया, हार्डली 5 मिनट का काम था क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, फोटोशूट कर लिया है। इतनी धूप है कि दिख भी नहीं रहा मैं क्या शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो बैकग्राउंड। तो हम पणजी से निकल के वापस कलंगूट बीच पे आ गए। कलंगूट बीच कल रात को भी आए थे, परसों भी आए थे, कलंगूट बीच में ही आ रहे हैं क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग का इधर ही है, और हम जाए वहाँ से नाइट लाइफ भी इधर इंजॉय करने का था, तो इसलिए हम कलंगूट बीच आते थे। बाकी पणजी जाने को मिला नहीं इतने दिनों से, और आज टाइम पे गए चर्च घूमे, वहाँ से मीरा बीच जो बोलते हैं मीरा हमारे बीच पर पास ही था, बट टाइम हमारे पास नहीं था इसलिए एक्सप्लोर नहीं कि उसको, रिटर्न आ गए ट्रेन है। तो अभी यहाँ लेडीज़ को शॉपिंग करना है, लेडीज़ को शॉपिंग करना, तुम आ गए इधर ही शॉपिंग देखते लोग क्या करते, बस टाइम पास नहीं करना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे हम बिला, हंड्रेड बहुत महंगा होता है। हेलो ऐसे नहीं करते ना,
हमारी शॉपिंग हो गई है और हम भी जा रहे हैं वाइन लेने के लिए। भाई लेने जा रहा है, सुपर मार्केट है यहाँ पे वाइन का, मैं आपको दिखा। शॉपिंग करते करते हम आ गए वाइन शॉप में। शॉप नहीं बोल सकते, क्या बोलूँगा, शोरूम में बोल दो पूरा, है ना। मतलब गोवा में वही सीन है, वाइन शॉप्स हर जगह मिलेंगी और शोरूम्स जो बहुत बड़े रहते हैं वो है। कल हम गए थे डेल्फिनोस, वहाँ से मैंने वाइन्स ली थी और अभी भाई को लेनी है, तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। डेल्फिनोस से बड़ा है ये, एंड ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ब्रांड है, आपको दिखा दो ब्रांड। आप बोलोगे भाई मैंने जो जो ब्रांड नहीं सुना आज तक वो भी आप लिटरली बता रहा हूँ मैं, एंड एक से एक है। बट कल मैंने ले लिया ऑलमोस्ट जो भी लेना था, आपको देख देख सकते हो। ये तो ब्लैक डॉग है अपना, वैट 69 है, वोट का है, देन देयर इज जीन, वो कॉर्नर में वाइन है, एंड देख सकते हो आप इस साइड में विस्की है। उसकी तो भाई ऐसे ऐसे ब्रांड की बस। ग्रेट टीचर सिग्नेचर है, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। और शोरूम बोलो कुछ भी, आपकी कितनी मात में आ रहा हो। और ये सब बियर नॉर्मल रहता है। अभी हमने यहाँ से ले लिया, हमने मतलब भैया ने जिनको लेना था वो कल नहीं आए थे, कल मैंने कल ही ले लिया था। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं पीला के लिए, बीच जाने वाले थे बट टाइम बहुत हो गया, अभी 3 बज रहे, हमारी ट्रेन है 8 बजे की, तो हमको 6 बजे तक निकलना है। पैकिंग नहीं हुई अभी तक, तो पैकिंग करके सब करके हमको निकलना है, तो अभी जा रहे हैं पीला डायरेक्ट, आपको बताते हैं। तो गाइस हमारी ट्रेन है 8 बजे की और अभी बज रहे 7, पर हम अभी तक पुल में नहीं गए हैं, ठीक है। हम हमारे विला में आपने पुल देखा होगा, स्टोरी में देखा होगा, सब में देखा होगा, आपने पुल नहीं देखा होगा, ठीक है। अभी तक पुल में नहीं गए थे, जाने के 1 घंटे पहले हम जा रहे हैं पुल में, हम सारे भाई लोग पुल में जाने। इधर नीचे इसका मोबाइल लेके जा, आप बना दो वहां से, तू आएगा बना दे, ऐसे दिखता हूँ तो सही। समझ रहे हो, ट्रेन हमारी 8 बजे की, 7 बजे हम पुल में, ट्रेन में पहुंच जाएंगे ना अपन। ये ब्लॉक में बोल रहा तू? हाँ ब्लॉक में बोल रहा मैं, ट्रेन में पहुंचेंगे ना अपन, आपको पूछ रहा मैं, इनके भरोसे हम। लेट्स सी, 4 दिन से कुछ नहीं किया पर अभी कर रहे हैं हम लोग। Yeah, boy. हम 10 मिनट ही स्विमिंग पूल में किया है, बट वर्थ इट था, ज़्यादा कुछ इन्जॉय नहीं है, बट लास्ट मोमेंट में कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट ज़्यादा है। बस मुझे नहाने जाना है, पर गीला हूँगा बट स्टिल। फाइनली हम ये विला से निकलते हुए, ये ट्रिप आई खत्म होती है, विला देख सकते हो, सब नहीं दिखेंगे यार कैमरा खराब। ये हमारी दोनों गाड़ी, स्टेशन पर दोनों गाड़ी को वैसे छोड़ना है। अभी नागपुर जा रहे अपन, ये हो गया हो गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया रही करो तुम, चलो नागपुर चलो। अभी गोवा, गोवा को छोड़ दो, ये इधर ही छोड़ दो अभी। हमारी ट्रेन क्या बोली, ट्रेन हमारी नहीं, गवर्नमेंट की ट्रेन है भाई, गवर्नमेंट की ट्रेन है क्या, वो आ गए अभी, हम ये ट्रेन में जाएंगे। लेकिन आए हुए आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, बहुत देर तक वेट कर रहे हैं, तो कब चलती है ये ट्रेन? बहुत लेट करेंगी, कोई बात नहीं, अपन बैठ के जाएंगे आराम से, सोते हुए जाएंगे, टिकट कंफर्म। ट्रेन का टाइमिंग है नागपुर में 10 बजे का, बट आई डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा। रात के 10 बजे का, रात के 10 बजते हैं कि सुबह के 5 बजते हैं, तो देखते वक्त बताएंगे आपको, बताएंगे, स्टे ट्यून्ड। द नेक्स्ट डे जाता क्यों मेरे को?
गोवा जाते घूमने के लिए जाते, तुमने क्या किए? पागल है ये, देखो ये यानी कैसे हरकतें कर रही रे। फोकस करूंगा, हाथ हाथ बता, तेरे हाथ बता। अबे जिस पे लगा के दे, इस पे लगा के नेल पेंट। भाई देखो प्रोफेशनल, किसी लड़की को अगर नेल पेंट लगाना हो तो कांटेक्ट करे मेरे भाई को। भाई ने अपने हाथ पे भी लगाया, बताओ उंगली बताओ तुम्हारे। देखो ये ऐसे लगाते हैं नेल पेंट, आपको लगाना हो तो कांटेक्ट करिए, मैं नंबर डाल दूंगा इनका। इंस्टा आई डी 7279277। नहीं नहीं ये बीप हो जाएगा, ये बीप हो जाएगा। मैं दे देता हूँ, मैं अपना डालूंगा, तुम्हारे को डालूंगा मैं। भी लगा ले नेल पेंट। उम्मीद है कि भाई मेरा ओमिगल चला रहा है। बता बता बता, मिली क्या कोई? हेलो नेट ही नहीं चल रहा। और मैं क्या बोला, टाइम पास करना ही छे। सुनो ना, टाइम पास करना है तो बोगी की सारी लड़की को बुला के दो, के सबको लगा के दो तुम एक एक बारी में। पानी लोग पहुंच गए नागपुर जंक्शन, और थैंक्स टू ड्राइवर, 2 घंटे लेट हुई थी ट्रेन, हमको लगा था ज़्यादा लेट होंगे क्योंकि रिटर्न जब यहाँ से गए थे गोवा तब 8 घंटे लेट थी, बट 2 घंटे लेट थी तो हम पहुँच गए अराउंड 11 बज रहे। तो थैंक यू अगर यहाँ तक आप ब्लॉग देख रहे थे, और नेक्स्ट ब्लॉग को चलते आएंगे। और ये हमारे आधे लोग आए, तेरा वीडियो हमेशा चलता रहना चाहिए।